हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर स्टोर मैनेजर जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक स्टोर में एक स्टोर मैनेजर की जॉब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको कि स्टोर मैनेजर का वर्क क्या होता है। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जैसे जैसे हम नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि एक स्टोर मैनेजर को स्टोर को एक मैनेज तो करना ही होता है, साथ साथ उसकी जो अपनी एसओपी होती है उसको भी फॉलो करना होता है। फ्रेंड, एक स्टोर मैनेजर को अपने केआरए के अकॉर्डिंग भी वर्क करना होता है, साथ ही साथ स्टोर मैनेजर की जो केपीआई होती है उसको भी फॉलो करना होता है, जैसे कि कन्वर्जन, बास्केट साइज, डेली सेल्स रिपोर्ट और भी जो केपीआई के अंदर स्टेप्स आती हैं उनको फॉलो करना होता है डेली बेसिस पर। साथ ही साथ फ्रेंड, आपको एक चीज और मैं बता दूं कि मैंने जो है केपीआई के रिगार्डिंग और कन्वर्जन, बास्केट साइज, टिकट साइज क्या होता है इसके रिगार्डिंग पहले से वीडियो बना दिया है, आप मेरे पुराने वीडियो को जाकर देख सकते हैं जहां पर आपको डीपली पता चल जाएगा कि केपीआई क्या होती है, बास्केट साइज क्या होती है, कन्वर्जन क्या होता है और टिकट साइज क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, आप मेरे रिटेल सीरीज के जाके वीडियो देख सकते हैं। स्टोर मैनेजर को जो टीम दी जाती है, जैसे कि जो स्टाफ दिया जाता है जिसके ऊपर स्टोर मैनेजर को वर्क करना होता है, ठीक है, तो जो टीम होती है उसको टीम को हैंडलिंग करना, साथ ही साथ अपनी टीम का मोटिवेशन भी करना ताकि हमारी जो टीम हमें मिली है उसको हम अच्छे से वर्क करा सकें, ठीक है, हमारी टीम अच्छे से वर्क कर सके, इस तरीके से हमें जो है ना अपनी टीम का मोटिवेशन भी करना चाहिए। उसके साथ ही फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि जो हमें डेली, मंथली और ईयरली बेसिस पर जो टारगेट मिलता है सेल्स टारगेट, उसको टाइम से अचीव करना, ये भी एक स्टोर मैनेजर के वर्क के अंदर आता है। एक स्टोर मैनेजर को जो भी स्टोर दिया गया उसके अंदर जितना भी स्टॉक्स है, चाहे वो इन्वेंट्री एरिया में हो चाहे वो डिस्प्ले एरिया में हो, ठीक है फ्रेंड, तो हर एक स्टॉक की काउंटिंग करवाना, उस काउंटिंग को आप डेली बेसिस पे भी करवा सकते हैं, मंथली भी करवा सकते हैं, ईयरली वाइज भी करवा सकते हैं, लेकिन हर किसी की काउंटिंग जो है ना डिसाइड होती है अलग अलग, जो आपको कंपनी के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी की होती है, जो कंपनी की पॉलिसी होती है उसके रिगार्डिंग जो आपको काउंटिंग की डेट मिलती है, ठीक है, जो काउंटिंग करने का एक तरीका है, जो पैटर्न्स आपको दिए जाते हैं उसके हिसाब से आप वहां पे काउंटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको अपने स्टॉक की डेली बेसिस पर भी और मंथली काउंटिंग करवाते रहना चाहिए, जिससे कि आपको पता रहे कि हमारा कितना प्रोडक्ट जो है ना वो डिफेक्टेड है, कितना डैमेज है, कितना श्रिंकेज हुआ है, ठीक है, शॉर्ट एक्सेस इसकी नॉलेज जो है ना आपको प्रॉपर रहती है, इसलिए जो है आपको हमेशा अपने स्टोर में काउंटिंग करवाते रहना चाहिए अपने प्रोडक्ट की, और ये काउंटिंग आपको फिजिकली करवाना चाहिए, एक एक पीस को गिनवाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो जो भी एक स्टोर मैनेजर का वर्क होता है कि जो उसने स्टोर में स्टॉक की काउंटिंग की है उस काउंटिंग में जो रिजल्ट निकला है, जैसे कि जो जितने पीस डिफेक्टेड है, जितने पीस डैमेज है, जितने पीस श्रिंकेज है, उसका एक अलग रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना चाहिए, ये भी एक स्टोर मैनेजर का वर्क। एक अच्छे स्टोर मैनेजर को अपने स्टोर्स के अंदर डेली मॉर्निंग में मीटिंग करना चाहिए अपने स्टाफ के साथ, जिसमें उसको जो भी स्टोर्स के अंदर एक्टिविटीज चल रही है चाहे वो छोटी हो या बड़ी, अपने स्टाफ के साथ शेयर करना चाहिए, साथ ही साथ जो भी हमारे स्टोर के अंदर नई स्कीम आ रही है उनके बारे में अपने स्टाफ को बताना चाहिए, और स्टाफ की जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी सजेशन है उनको लेना चाहिए और स्टाफ की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, ठीक है, और उसका वहीं पे सोल्यूशन भी करना चाहिए। फ्रेंड, स्टाफ के जो इंसेंटिव है, जो नए नए प्लान आ रहे हैं जिनके अच्छे से जिसके रिगार्डिंग वो वर्क करके अच्छे से जो है मोटिवेशनल रिवार्ड भी हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी अपने स्टाफ को बताना चाहिए मीटिंग के अंदर। तो फ्रेंड, एक स्टोर मैनेजर को अपने स्टाफ के साथ सवेरे मॉर्निंग में एक मीटिंग लेना चाहिए, अगर वो चाहे तो दोपहर में भी मीटिंग ले सकते हैं कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अच्छे स्टोर मैनेजर को अपने स्टोर के अंदर जो डेली बेसिस पर चल रही है स्कीम, ऑफर एंड डिस्काउंट, या फिर स्पेशल स्कीम जो चलती है, स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर जो स्पेशल डिस्काउंट चलते हैं, उसके बारे में अपनी टीम को प्रॉपर बताना, और साथ ही साथ अपनी जो भी मीटिंग ले रहे हैं मॉर्निंग मीटिंग, या फिर जैसे मॉर्निंग मीटिंग में हमने बताया, साथ ही साथ हमारे पास बीच में अगर किसी टाइम पे नई स्कीम आ गई या फिर आने वाली उसका अपडेट आ जाता है, मेल आ जाता है, तो हम उसको चेक करके और अपने स्टाफ के साथ में एक सेपरेट छोटी सी मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें हम अपने स्टाफ को बता सकते हैं कि हमारे स्टोर में इस तारीख को या फिर इतने टाइम से ये स्कीम चलेगी,
इसके बारे में अपने स्टाफ को बताना। साथ ही साथ हमारे स्टोर के अंदर जो डिस्प्ले लगी है, ठीक है, जो प्रोडक्ट अरेंजमेंट है उसको भी देखना, ताकि हमारा प्रोडक्ट जिस तरीके से लगा है, ठीक है, उसकी डिस्प्ले कैसी है, ठीक। तो हमें ये भी चेक करते रहना चाहिए, जो एक अच्छा स्टोर मैनेजर होता है उसको ये चेक करते रहना चाहिए कि विजिट करते हुए अपने स्टोर के अंदर डेली विजिट करना चाहिए, जिससे उसको पता चल सके कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर लगा है और वो किस तरीके से लगा है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको कमी को सुधार करके अच्छे से डिस्प्ले लगवाना, ठीक है, ये भी एक अच्छे स्टोर मैनेजर के काम में आता है। हमारे स्टोर्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स लगे हैं, ठीक है, उसकी हमें एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करना, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, यानी कि जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, उनकी एक अलग रिपोर्ट तैयार करना। साथ ही साथ हमें एक ऐसे प्रोडक्ट की भी रिपोर्ट तैयार करना जो हमारे कम बिकते हैं, जो हमारे स्लो मूविंग है, यानी फास्ट एंड स्लो मूविंग की एक हमें अलग से रिपोर्ट तैयार करना, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं और ये प्रोडक्ट कम बिक रहे हैं। फ्रेंड, एक अच्छे स्टोर मैनेजर को अपने स्टोर का जो मेंटेनेंस है उसको भी चेक करते रहना चाहिए, ताकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं आ रहा है, या फिर हमारा एसी अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, हीटर अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, या फिर हमारा कोई इक्विपमेंट लाइट में कोई जरा सा भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको जल्द से संभलवा लें, ठीक है, और उसको चालू रखें, ठीक है। तो हमें अपने स्टोर्स के अंदर जो मेंटेनेंस है, जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसके साथ में कोऑर्डिनेट करके अपने स्टोर को जो है ना मेंटेनेंस उसका अच्छा रखना, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड, अपने स्टोर्स की क्लीन एंड हाइजीन भी रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो एक अच्छे स्टोर मैनेजर का वर्क होता है कि वो इन सब चीजों पर ध्यान रखे। स्टोर मैनेजर का वर्क ये भी होता है कि वो डेली अपने स्टोर्स के अंदर विजिट करे, यानी कि राउंड लगाए, पूरे स्टोर में राउंड लगाए, जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जल्द से जल्द वहां पर सोल्यूशन करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ये भी एक अच्छे स्टोर मैनेजर के वर्क के अंदर आता है। साथ ही साथ फ्रेंड, एक अच्छे स्टोर मैनेजर का वर्क ये भी होता है कि जो भी स्टोर्स के अंदर सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी कैमरा है, या फिर सिक्योरिटी मशीन है, ठीक है, सब चीज का ध्यान रखे, और जो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी जल्द से जल्द सॉल्व आउट करे और सारी चीजें प्रॉपर चलती रहे, इस चीज का भी ध्यान रखें। सिक्योरिटी कैमरा खराब नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। सिक्योरिटी मशीन जो है उसका भी प्रॉपर ध्यान रखना है कि वो अच्छे से वर्क कर रही है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी स्टाफ है, हमने उसकी ड्यूटी कहाँ पर लगाई है, ठीक है, हमें इस चीज का भी पता होना चाहिए और वो कैसे वर्क कर रहे हैं, इस चीज का भी पता चलता रहना चाहिए। इसके लिए आप स्टोर के अंदर विजिट भी कर सकते हैं डेली बेसिस पर। वर्क ये भी होता है कि उसको पता होना चाहिए कि जो भी स्टॉक रिटर्न हुआ है या एक्सचेंज हुआ है वो कितना हुआ है, इसकी एक अपनी रिपोर्ट बना के रखना चाहिए कि हमारा इतना प्रोडक्ट जो था वो रिटर्न हुआ है, इतना एक्सचेंज हुआ है, तो अपनी रिपोर्ट को तैयार करके रखना चाहिए एक अच्छे स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर का वर्क ये भी होता है कि जब भी अपना स्टोर या फिर जो उसको स्टोर असाइन किया गया, जो उसको स्टोर दिया गया है, उस स्टोर को ओपन करवाते टाइम उसकी ओपनिंग के टाइम पे जो है स्टोर को चेक करना और स्टोर की जो सेल्स होती है, जो कैश काउंटर से सेल होती है, उसकी ओपनिंग करवाना, ठीक है, कैश काउंटर को चालू करवाना, उसकी ओपनिंग करवाना, ये भी एक अच्छे स्टोर मैनेजर के वर्क के अंदर आता है, ठीक है। उसमें सारे सिस्टम उसके वर्क कर रहा है अच्छे से, कैश काउंटर अच्छे से वर्क कर रहा है, स्टोर पूरा सेल्स की कंडीशन में है या नहीं है इसको पता करके, अगर सेल्स की कंडीशन में नहीं है तो उसको सेल्स की कंडीशन में लाना और अपने स्टोर की सेल को जो है ना स्टार्ट करवाना, ये भी यानी कि हम कह सकते हैं सेल्स की ओपनिंग करवाना, ठीक है, या अपने स्टोर्स को ओपन करके कस्टमर के लिए रेडी करना, ठीक है, ये भी एक जिम्मेदारी स्टोर मैनेजर की होती है। फ्रेंड, एक स्टोर मैनेजर का वर्क ये भी होता है, जब भी कंपनी के इन्वेंटरी या वेयर हाउस से स्टोर्स के लिए स्टॉक भेजा जाता है तो जो गाड़ी आती है, जो ट्रक आता है, ठीक है, उसको ट्रक के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको प्रॉपर चेक करना कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। साथ ही साथ स्टोर में स्टोर से बाहर निकल के जो गेट पे जाकर देखते हैं कि जो गाड़ी लगी है उसकी सील प्रॉपर है, कहीं से टूटी तो नहीं है या फिर कोई उसमें कोई डिफेक्ट कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो फिर उस स्टॉक को स्टोर के अंदर लाना, ठीक है, उसको उतरवाना, उतरवाने के बाद उसकी काउंटिंग करवाना, काउंटिंग करवाने के बाद जब उसको चेक कर लिया कि सारा स्टॉक जितना भेजा है वो प्रॉपर है, फिर उसको इन्वेंट्री को रिसीव करना, ये भी एक स्टोर मैनेजर के वर्क के अंदर आता है। फ्रेंड, स्टोर मैनेजर का वर्क ये भी होता है कि स्टोर्स के अंदर राउंड मारते रहना और स्टोर हर स्टोर के या फिर जो इसको स्टोर दिया गया स्टोर मैनेजर को, उस स्टोर्स के अंदर जाके हर सेक्शन को चेक करना, डिपार्टमेंट्स को चेक करना जाके कि वहां पर जो प्रोडक्ट की डिस्प्ले लगी है वो कैसी है, वो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, इस चीज का प्रॉपर पता करना। अगर डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको अच्छे से डिस्प्ले लगवाना,
ठीक है, ये भी एक स्टोर मैनेजर के वर्क के अंदर आता है। साथ ही साथ फ्रेंड, स्टोर मैनेजर का वर्क ये भी होता है कि जो भी उसको स्टाफ दिया गया, अगर उस स्टाफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है काम करने में, ठीक है, या फिर उसको जो नॉलेज है वो कम है, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज कम है, सेल्स नहीं कर पा रहा है, कस्टमर से डील नहीं कर पा रहा है, कस्टमर को जो कस्टमर सर्विस देना है वो अच्छे से दे नहीं पा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उसका कम्युनिकेशन बैरियर्स आ रहा है, तो उन बैरियर्स को दूर करना और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना, ठीक है, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। और हाँ अपने जो स्टाफ है उसको आप सेल और क्रॉस सेल के बारे में भी बताना फ्रेंड। इसके साथ ही साथ इससे क्या होगा कि स्टाफ को ट्रेनिंग भी मिलती जाएगी काम करने की, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अपने इंप्लाइज को ट्रेनिंग देना भी स्टोर मैनेजर के वर्क के अंदर आता है फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या हम स्टोर मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेंड इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी में एम्प्लॉय को रखने के, हायर करने के, ठीक है फ्रेंड। मैं बेसिक आपको बताता हूं कि जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। साथ ही साथ अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन है और आपने कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है या फिर आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, साथ ही साथ फ्रेंड आपके पास जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपके पास एमबीए होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी डिग्रीज और नॉलेज और सर्टिफिकेट हैं, एक्सपीरियंस है, तो आप स्टोर मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि हर स्टोर्स में, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हर स्टोर्स की पॉलिसी अपनी अलग होती है लोगों को हायर करने की, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है।